लोग कहते हैं उनके लिए एक नाम है दोस्ती, किसी से रिश्ता, किसी का मकाम है दोस्ती। मेरे लिए तो यारों वो नाम वो मकाम कुनाल है दोस्ती। जैसे सबके लिए सबके यार, वैसे मेरा यार मेरा कुनाल है दोस्ती। मेरे लिए वही एक नाम वही एक मकाम कुनाल है दोस्ती। बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, और सासों बता तूने ये क्या किया, सूख के हो गए हैं छुहारे पिया, बेचारे पिया सब हारे पिया। ये मम्मी नहीं है, first of all for the viewers who don't know him that closely, his name is pronounced Kudal, it's not Kunal. Starting there, we were living away from our family, me, my mom and my brother. So what used to happen, mom dopahar mein soti thi and she used to instruct us very clearly ki tum dono ko padhna hai and you don't need to go out, padho then jana. So after you, she used to fall asleep, we used to write on a paper ki hum bahar ja rahe hain, khel kar shaam ko aayenge, put it below her pillow and then go out. तो एक बारी क्या हुआ, वी केम बैक एंड शी वॉज स्टिल स्लीपिंग, सो वी टुक आउट द पेपर, सैट बैक ऑन द सीट, अगेन पढ़ना चालू, एंड मॉम हम तो कहीं नहीं गए, वी वर स्टडीइंग। देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा, माना तेरी सूरत की है चांदी 100% बिल्लो, मेरे दिल का सोना भी खरा, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, सोचने का मौका ना दिया है, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, पीछे हो लिया, तो तेरे पीछे। रात के 2 बज रहे थे और उन्हें लगा कि सुबह हो गई है, और उन्होंने स्कूल ड्रेस जो है वो वेयर कर लिया था, एंड उन्होंने मेरी मम्मा को आके बोला कि लाइक मासी सुबह हो गई है, आप ज़रा स्कूल भेज दो मुझे, ऐसे करके। तो फिर मम्मा ने कहा कि अभी तो इतना टाइम हुआ भी नहीं है स्कूल जाने का, तू अभी से कैसे तैयार हो गई। उसका सच है, लेकिन वो उसकी जिद जो है, मतलब एक ख़राब टाइप की जिद नहीं होती है, सच्ची बात पे उसको जिद करना है, वही उसका मतलब जो चीज़ सही लगती है उसके लिए ही जिद करती है वो, और कभी मतलब ये नहीं है कि बड़ों को बिल्कुल ना पसंद करना या उनकी बात नहीं मानना, ऐसा भी कुछ नहीं है, जो चीज़ गलत है वो गलत है, उस पर उसको अड़ना है। मैं तेरा है, मैं
तो तेरी छत पे जा गिरा। गिरा झुमका ले झुमका गिरा बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, गिरा झुमका गिरा झुमका 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 गिरा रे बरेली के बाजार में। आंगन में दूर एक गिलास पड़ा था, ये गिलास उठाया और उसके बड़े प्यार से मेरी तरफ चला आ रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ होगा, काम होगा, क्या होगा, क्यों आ रहा है। एकदम पास आया और जब when he was sure कि मिस नहीं करेगा, he threw that glass right at my face and he cut my nose with it. Sitting on the scooter floor, okay. वो अचानक से खड़ी हुई एंड वो शाउटिंग शी स्टैंडिंग शी स्टैंडिंग, बट वो किसी ने माना नहीं, बट मुझे याद है कि वो मेरे सामने खड़े हुए होना सीखी थी। एक उसकी क्वालिटी है कि शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, ठीक है, उसकी आज़ादी को मत रोको। अगर आप वो नहीं करोगे, मतलब आज़ादी को नहीं रोकोगे तो यू विल बी फेवरेट, बट अगर आपने उसकी आज़ादी रोकी तो इट्स नॉट गुड फॉर यू। गल्ला तेरी मिठिया मैं सारी रात सुनदा जाऊं, नजर न लग जाए प्यार सारे जग से छुपाऊं, अचल न भुलाए। रश्मिता बचपन में ना बहुत अच्छी क्यूट लड़की है, बहुत सुंदर लगती थी, सबका कहना मानने वाली बच्ची है। स्कूल में भी है ना सबकी, मतलब अपने टीचर की सबसे बेस्ट फेवरेट बच्ची थी ये। के एक दूजे के माने बिना कब दो दिलों की हुई यारियां, दिल ना जाने कुणाल ना। आई हैव नोन ईच अदर फॉर 18 इयर्स नाउ। After school, we had these bicycles, and he had the coolest one, a red-colored cool bicycle. And we all used to vouch for, you know, just taking a ride, and he never used to share it with us. And then he had this orange bag, so he never used to give it to us. And I used to be like, after his life, that, you know, do just one day, and he never used to give it. And then on the bicycles, we used to like rash drive a bicycle, and then skid it near his house. हम लोग लखनऊ में थे। आई वॉज
going back from a water park. I was sitting in the bus. One of our friend, Rama, our mutual friend, he was sitting with me. And then I was just browsing the photos what we took in the water park, right? And suddenly I saw a picture of a girl. I saw her. And that is when I thought, oh shit, kuch to hai. And I immediately texted from his phone. Matlab main Rama ban ke baat karne laga isse. Why should I accept your friend request? So he was like, just accept it. You're never gonna regret it. So that was his statement. And I thought it's my friend Ram who is telling me that. So I said, okay. GIP Mall. Okay, so there was this barista, so where he was sitting, and he asked me to come to that place and meet. So after he went back, and every time I used to go to that mall and I used to cross that barista, always I used to look back. Maybe he's sitting there. Like that memory used to come again and again. So that's where I thought something is there. That you know, every time at this place, I remember this guy. I just remember that photo very very. Like that is the only thing that comes in front of me when I actually think of her. So yeah, matlab aise koi special moment nahi tha. It was just like a flow that happened. Aur 10 saal mein wo waise bas badhta hi chala gaya. लखवारी हाथ छोड़ दे लखवारी दिल ये तोड़ दे छोड़ के मैं तुझे ना जाऊंगा कहीं हक तुझे है ये इश्क में मुझसे नजर चीजें फ्रिज से टमाटर वगैरह निकाल निकाल कर ना और नीचे ले जाकर रेलिंग से बाहर फेंक देता था फिर पूछो कहाँ गया टमाटर ओ पुद्ध हो गया बाकी सारा मतलब तेरी यारी से क्या लेना दुनियादारी से तू बन मेरी ही मैं बनूं तेरा राजना है मतलब तेरी यारी से क्या लेना दुनियादारी से तू बन मेरी ही मैं बनूं तेरा In all this process and planning like from the last 2 days I feel like I have seen the beautiful part of this man Oh, fuck. And I really feel very strong right now, right here. Yeah. Very much free, and you know, I think like I have the control over the situation. So it's all because of him. And in last 2 days, like. I should feel proud now. I feel he's taking care of it very nice. Right the day he asked me, I think, the very next moment I told my mom that there is one guy, so he could be the one. So that all the years long they knew about this thing happening. Sehra matlab topi? Abhi baandhe the jab. Kunal, patka. पटका भी हाँ आ रहा
आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट. तो एक टाइम ऐसा था 12th के बाद, वेन कॉल इट वट एवर टीनेज ड्रामा और जो भी, मैं थोड़ा आई बिकेम सॉर्ट ऑफ अ रिबेल. मैंने पढ़ाई वढ़ाई सब नहीं अच्छे से कर रही थी. आई मीन आई वॉज नॉट फोकस्ड ऑन माई करियर. सो हमारी मेरी और कुणाल दादा की थोड़ी लड़ाई हुई. वी सेड सम थिंग्स दैट शुडंट हैव बीन सेड. एंड उसको कॉलेज जाना था एंड ही रोट मी अ वेरी वेरी लेंथी लेटर. एंड आई डिडंट नो ही हैड रिटन मी अ लेटर. ही जस्ट केप्ट इट इन माई बुक एंड देन ही वेंट अवे फॉर कॉलेज. वो शायद एक आध हफ्ते बाद मुझे मिला एंड ओ माय गॉड आई रियलाइज्ड कि कितना गलत कर रही हूँ मैं. इफ़ आई लुक बैक आई थिंक दैट इज द मोमेंट दैट मेड मी हु आई एम टुडे. तू यही है आँखों के कोने में, जगने सोने में यही है तू. तू यही है हर पल रुसाने, मुझको मनाने यही है तू. ये दूरी है दिल का वहम, संग मेरे है तू हर दम. कुणाल के बचपन के यादों से पहले मैं शिवा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ. शिवा को मैं अपना पहला बेटा मानता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों के साथ वही आया और बचपन से ही काफ़ी सालों तक हम लोगों के साथ रहा. तो एक तरीके से इतना लगाव हो गया उससे, उसको अपना बेटा ही मानते हैं. सेकंड जब कुणाल आया तो और भी अच्छा लगा. उसमें कोई उनको कभी रोका नहीं गया, कुछ भी तोड़ फोड़ देते थे तो कभी डांटा भी नहीं जाता था. नया सामान कोई खिलौना हो लाया जाए तो कुणाल एक दिन या दो दिन ज़्यादा से ज़्यादा खेलता था, उसके बाद उसको खोल के एकदम से उसके अंदर क्या है कैसे है ये देखने लगता था. तो हम लोगों को कुछ गेस हो गया था कि ये संभवतः इंजीनियरिंग ही करेगा, और वो हकीकत में आज पूरा हुआ. तू यही है होने ना होने में, खुद को खोने में यही है तू. हमें सुबह से इसका इंतजार है. मतलब हम लोग शादी करना चाहते तो हमने कहा ठीक है, और आप लोगों को नहीं पसंद है तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे, मतलब करें कि ना. हमने कहा अगर तुम वाकई प्यार करती हो तो निश्चित ही तुम्हारी शादी होगी, इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कह सकते हैं. तो आज लगता है कि वो करते ही होंगे, तभी हो रहा है. मतलब सब भगवान ने ही बनाया है इन लोगों की जोड़ी. जुगनू जुगनू बनके साथ साथ जागे, जादू जादू सब ये जादू ही सलागे. बचपन की मतलब शुरू से अच्छी रही है पढ़ने में, मतलब किसी की बात नहीं माननी है, अपनी ही चलानी है. मतलब पढ़ने में अच्छी थी, जिद बहुत थी इसके अंदर, और आज भी वही बात है, अभी वही बात है. ठीक था, ऐसे दोस्त है, अच्छा लगा. मतलब वो ही होता है कि चलो बाहर जा रही है बेटी तो कोई हेल्पफुल इंसान साथ में मिल जाएगा. हेल्पफुल तो बहुत है कुणाल, हर जगह उसने उसकी मदद की है. अब बाहर रहने में तो रहता ही है बच्चों का.